कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के नाम से जारी घोषणा पत्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी जी पूरे देश में धान की कीमत 3100 रुपए क्यों नहीं कर देते। छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय की राशि मिलाकर 3800 रुपए मिलेगी, पूरे देश में 500 रुपए में सिलेंडर देने का बीजेपी ऐलान करे। कांग्रेस सरकार की सब्सिडी मिलाकर मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मोदी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? भाजपा का जो दुष्प्रचार चल रहा है, पूर्ण कर्नाटक में चला, न हिमाचल में चला, न पश्चिम बंगाल में चला, न तमिलनाडु में चला, लोगों ने वहां नहीं माना। और आपने देखा होगा कि वहां उन्होंने स्थानीय आधार पर वोट दिया। इनके पास राज्य में कुछ बचा ही नहीं है, राज्य में एक नेता का भी चेहरा नहीं दिखा पा रहे, तो मोदी जी का चेहरा लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी यहां मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं क्या? मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं? अरे चुनाव अगर आप वोट मांग रहे हो तो राज्य के किसी नेता के नाम पे मांगो ना, राज्य के नेता का चेहरा सामने लाओ। जो ये जो गारंटी आप दे रहे हो, वो गारंटी वो पूरा करेगा नहीं करेगा उसका वचन होना चाहिए। तो राज्य का चेहरे तो राज्य के नेता को तो ताले में बंद कर दिया, सब संदूक में बंद है, और मोदी जी का चेहरा दिखा के ये वोट लेना चाहते। तो ये विधानसभा के चुनाव है, मोदी जी मुख्यमंत्री बनने वाले क्या कि जो उनका चेहरा दिखा रहे हो? और मोदी जी जो है वो उनका चेहरा हिमाचल में भी दिखाया, कर्नाटक में भी दिखाया, और दोनों जगह हारी बुरी तरह से। इसी तरह इन्होंने पश्चिम बंगाल में दिखाया था ममता के सामने, ममता को उससे ज्यादा सीट जनता ने दी वहां पे। तो ये चेहरा विधानसभा चुनाव में चलता ही नहीं है। जो कैंडिडेट नहीं है, जो यहाँ का जो यहाँ की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है, उसका चेहरा दिखा के आप वोट लगा के तो वोट मांगने का काम तो बरगलाना है ना। और मोदी जी का एक रिकॉर्ड है भाई, उनका एक रिकॉर्ड बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने आज तक कोई वादा पूरा ही नहीं किया। चुनाव के वक्त वादे धुआंधार, और बाद में जो है पूरा कभी तक नहीं किया। तो मैं पत्रकारों से उल्टे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं सवाल का, आप बताइए कौन सा वादा पूरा किया? आपकी अगर जो ध्यान में मैं लाना चाहूंगा कि 2014 के जो प्रमुख वादे थे, क्योंकि उस चुनाव में मैं भी सक्रिय था, मैं मिनिस्टर था, सब जगह जाता था भारत सरकार में। पहला वादा कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो 9.5 साल में 19 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए थी, 19 लाख नौकरी भी नहीं मिली। पहला वादा पूरी तरह से गलत निकला। दूसरा वादा कि हम 30 रुपए में डीजल और 40 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे जब मेरी सरकार आएगी। विश्व बाजार में कीमतें आधी से भी नीचे गिर गईं, भारत को सस्ता तेल मिला सब जगह से, पूरे विश्व से, और बाद में इसके बाद रूस से भी सस्ता तेल मिला बहुत, इसके बावजूद भी 100 के पार चला गया पेट्रोल डीजल। वो वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया। लाल किले से इन्होंने वादा किया कि 2022 तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका घर पक्का नहीं होगा और छत उसकी सीमेंट की नहीं होगी। आपको मैं पूरे देश में करोड़ों घर दिखा सकता हूं जो झुग्गी झोपड़ियों में, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। वहां पे एक सर के बदले में 10 सर लाएंगे, वो वादा भी कोई नहीं पूरा किया कहीं भी। और एक फेरिस्त है पूरी वादों की जो मैं आपके सामने रख सकता हूं, जिसमें उन्होंने कहा, एक तो सबसे ज्यादा जो आप सब लोगों को पता, पिछले 9 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे, वो तो एक बिल्कुल मजाक बन गया। खुद ही बाद में उन्होंने कह दिया कि वो तो चुनावी जुमला था, चुनाव में बोले ही जाता, झूठ इसलिए बोल दिया था, ये बाद में बयान उनका आ गया, उनकी हाईकमान का। तो वो तो उनको पूरा करने नहीं था 15 लाख किसी खाते में, जो सबसे बड़ा वादा था वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और 100 दिन में महंगाई कम होगी, महंगाई आज 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा, इतनी महंगाई किसी सरकार में नहीं जो महंगाई इस सरकार में है। और कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, अर्थव्यवस्था बनेगी, जो यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिल रहा,
कि अखबार सिर्फ बोलने से और विज्ञापन देने से थोड़ा ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाती है। हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, अभी दिल्ली का टिकट ले लो, कोई टिकट 10,000 से नहीं 15,000 20,000 30,000, कहाँ बेचारे हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे। वो वादा भी इनका झूठा निकला। 2022 में किसानों को आयु दुगनी हो जाएगी। आयु दुगनी तो छोड़ो, इतनी परेशानी में किसान है कि पूछो मत। खाद की इन्होंने कीमतें जरूर दुगनी कर दी, बाकी चीजों की कीमतें दुगनी कर दी, बीज की कीमत दुगनी होगी, किसान की आय दुगनी होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। और इन्होंने 2013 में वादा किया था कि 21 रुपए में धान हम खरीद करेंगे और 300 बोनस देंगे। वो 21 रुपए का धान तो खरीदना छोड़ दो, भूल गए, उसे कोई मतलब ही नहीं रहा। क्योंकि तो बघेल सरकार ने आके जो है उसका 2600 रुपए में धान खरीदा। केंद्र सरकार से किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिलती, बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं देश का योजना मंत्री रहा, कहीं ये मदद नहीं देते। जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं कोई मदद नहीं करते, एकदम सौतेला व्यवहार करते हैं वहाँ पे। आज हमने घोषणा की 3200 रुपए देंगे, 3200 रुपए ये और कौन सी सहायता मिला के 3900 रुपए के करीब हर आदमी को मिलेगा परिवार को। अगर अगर केंद्र जो मोदी की गारंटी है, अगर 3100 रुपए में वो धान का समर्थन मूल्य अगर तय कर देंगे पूरे देश में, तो जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो राशि छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है तो वो 9000 सालाना मिलेगा, तो वो 3800 रुपए के लगभग जो है धान का समर्थन मूल्य हो जाएगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, अगर गैस सिलेंडर 500 रुपए में पूरे देश में अगर वो लागू कर देते हैं तो 500 की जो सब्सिडी देने की बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने जो कही है, तो हमारी सरकार 500 रुपए महिलाओं के खाते में डालेगी, तो निःशुल्क जो है वो गैस का सिलेंडर हो जाएगा। ये सिर्फ प्रदेश के लिए क्यों, पूरे देश में लागू करें? तो ये इन्होंने वादा किया, अभी क्यों नहीं पूरा होने वाला है, मैंने जानबूझ के सुना है। क्योंकि अगर आपकी नीयत है कि छत्तीसगढ़ में आप 3100 रुपए के धान खरीदी करेंगे, तो आपने अभी तक जब आपकी 15 साल सरकार थी रमन सिंह जी की, तो क्यों नहीं की? एक नंबर, दो, बगल में मध्य प्रदेश है वहां करवा लो, आपकी सरकार है। बगल में यूपी उत्तर प्रदेश सटा हुआ वहां करा लो, आपकी सरकार है। यूपी और मध्य प्रदेश में करके दिखाओ तब तो मैं मानूंगा, कल ही घोषणा करो यूपी उत्तर प्रदेश में। ये सिर्फ चुनावी जुमला है, चुनावी झूठ है, इसको ये पूरा करने ही वाले नहीं। मेरा ही गारंटी मैंने इसलिए पड़ी कि जो भी गारंटी भाजपा करती है या मोदी जी के नाम पे की जाती वो पूरी नहीं होने वाली। वो कहेंगे हम तो प्रधानमंत्री भाई, तुम छत्तीसगढ़ के नेता जाने, हमसे क्या मतलब है। बाद में वो कह के अपना निकल जाएंगे, यहाँ झांकने भी नहीं आएंगे उसके बाद। तो इसलिए जो है इनकी कोई गारंटी, भाजपा का इतिहास है कि इनकी कोई गारंटी जो है पूरी नहीं होती है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने लागू करने की बात की थी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है उपज पे 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा देने की आज तक लागू नहीं हुई। और आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोग पत्रकारों की याददाश्त तो बहुत तेज होती है, कि बुलेट ट्रेन चल रही थी 2014 में, बुलेट ट्रेन की घोषणा हुई थी। मामला यहाँ का नहीं है, किसी ने बुलेट ट्रेन देखी? कहाँ गई बुलेट ट्रेन? बनारस को हम क्या बनाएंगे? क्योटो। आज तक क्योटो बना?